आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि रसिया में जो वेल्डिंग का काम से हम लोग आते हैं, वेल्डर आता है, उसको कितना सैलरी मिलता है, किस हिसाब से मिलता है, एक महीने में कितना सैलरी आप अगर आते हैं यहाँ तो कमा लेंगे। इस सैलरी के बारे में पूरा जानकारी इस वीडियो में आपको अभी मिल जाएगा, तो बने रहें इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं, टेस्ट नाक्स का पास हो जाता है आपका, और यहाँ पर जो शुरुआती जो सैलरी है वो $3.5 पर घंटा के हिसाब से आपको यहाँ मिलेगा। यानी कि आपका जो घंटे यहाँ पर घंटा के हिसाब से सैलरी मिलता है, फिक्स नहीं है यहाँ। एक आध कंपनी होगा जो फिक्स दे रहा होगा, लेकिन ऐसा हम कभी भी नहीं सुना इधर में कि फिक्स में मिल रहा है सैलरी। यहाँ पर आपको पर आवर घंटा के हिसाब से, पर घंटा के हिसाब से पे करता है कंपनी। और मिनिमम जो वेजेस है यहाँ पर, मिनिमम अगर बोले तो $3.5 पर घंटा से लेकर $5 या $6 पर घंटा तक यहाँ पर मिल जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेटल मार रहे हैं। अगर मेटल आप जैसे CS में आप आ रहे हैं तो $3.5 में शुरुआत हो जाता है। आप SS मारेंगे तो उसमें भी कुछ कंपनी $4.20, $4.50, $5 भी देता है। कुछ कंपनी है जो CS SS का भी $5 दे देता है यहाँ पर। तो $5 से $6 मोटा मोटी आप मान लीजिए जो आपको यहाँ पर मिलेगा। $3.50 से लेकर $5 या $6 तक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कितना घंटा ड्यूटी चलता है। तो ड्यूटी का देख लीजिए, यहाँ पर 10 घंटा ड्यूटी कंपनी कराता है। जैसे हम लोग का कंपनी है वो 10 घंटा ड्यूटी कैसे हूँ कराता है, और इस पर डिपेंड करता है कि अगर काम भी ज़्यादा है तो OT देता है 10 घंटे के ऊपर भी। अब बात करते हैं OT जो चलता है यहाँ पर, कंपनी 1.5 OT देता है। जो आप 1 घंटा OT करेंगे तो आपको 1.5 घंटा आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी आप OT 2 घंटा करते हैं तो 3 घंटा आपका बन जाएगा। तो इसी प्रकार से कंपनी जो भी है यहाँ पर उसी हिसाब से, मतलब यही नियम है जो OT के बारे में वो देता है, 1.5 OT देता है। कोई कोई कंपनी है जो नहीं भी देता है, अमूमन कंपनी 1.5 देता है। आप 2 घंटा काम करेगा तो 3 घंटा मिलेगा। तो यही रहा सैलरी के बारे में कि यहाँ पर अगर रसिया पा रहे हैं तो आप उसी हिसाब से जोड़ लीजिए कि 30 दिन में कितना पैसा होता है। यहाँ पर आते हैं आप तो $3.50 से लेकर $5 या $6 आप मान सकते हैं कि पर घंटा में आप कमा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ से पैसा कैसे जाता है। तो यहाँ से पहले जब यूक्रेन से युद्ध नहीं हुआ था, लड़ाई नहीं चल रहा था, उससे पहले कंपनी आपका पैसा इंडिया भेज देता था। हम लोग का जैसे कंपनी था वो इंडिया भेज देता था पैसा आपका डायरेक्ट इंडिया का अकाउंट में, आपका हो या घर वाला का हो या किसी का अकाउंट हो, आपका इंडिया डायरेक्ट कंपनी भेज देता था। लेकिन अभी जब उस टाइम भी दूसरा कंपनी जो था आपको ये क्या बोलते हैं अकाउंट यहाँ का खुलवा कर आपको यहाँ का अकाउंट में पैसा दे देता था, फिर आप इंडियन अकाउंट में भेज दीजिए। लेकिन हम लोग का कंपनी था कि अकाउंट आपका इंडिया का अकाउंट में ही पैसा भेज देता था। कुछ यहाँ पर एडवांस पैसा चाहिए तो आपको एडवांस दे देता था, जितना भी चाहिए आपको एडवांस दे के बाकी पैसा आपका इंडिया वाला अकाउंट में दे देता था। और बाकी कंपनी लड़ाई से पहले भी बाकी कुछ और कंपनी था जो आपका यहाँ का अकाउंट खुलवा के यहाँ पैसा दे देता था, उसके बाद अपना से इंडिया का अकाउंट में भेजना पड़ता था पैसा। लेकिन लड़ाई के बाद से सैंक्शन जो लगाया अमेरिका स्विफ्ट कोड का ये सब बोल के, तो अभी डायरेक्ट पैसा कोई भी कंपनी अभी भेज नहीं रहा है, इंडिया अकाउंट में नहीं भेज रहा है। अभी हम लोग का भी कंपनी क्या कर रहा है कि यहाँ का अकाउंट खुलवा के यहाँ पर रूबल दे दे रहा है। पहले था कि आपका डॉलर मतलब भेज देता था अकाउंट में, इंडिया अकाउंट में आपको यहाँ पर रूबल एडवांस दे देता था। अभी क्या कर रहा है कंपनी, हम लोग को जितना डॉलर में सैलरी बन रहा है उसका एक्सचेंज रेट से मतलब बदल के चेंज करके जो रूबल बन रहा है वो हम लोग का यहाँ का अकाउंट खुलवाया उसमें रूबल उतना वो दे देता है। फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि उस रूबल को डॉलर बना के फिर वो डॉलर को इंडिया अपना से दूसरा तरीका से भेजना पड़ रहा है। वो कैसे भेजा रहा है उसके लिए अलग से एक प्रॉपर वीडियो बनाना पड़ेगा, तो हम बना देंगे कि कैसे जा रहा है। फिलहाल यही है कि अभी ऐसा ही जा रहा है। पहले जो इंडिया अकाउंट में पैसा चला जाता था, कंपनी भी भेज देता था, और हम लोग अकाउंट जो यहाँ खुलवाया था डायरेक्ट अकाउंट से भी या नेट बैंकिंग से चला जाता था, उस हिसाब से अभी नहीं जा रहा। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है,
दूसरा हिसाब किताब से पैसा इंडिया जा रहा है। अभी अमूमन जितना भी कंपनी है सब रूबल में सैलरी दे रहा है आपको, यहाँ का अकाउंट खुलवा के डायरेक्ट दे देता है। तो सैलरी के बारे में यही जानकारी है। इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस प्रकार की जानकारी उनके पास भी पहुँच सके।